के तरफ से, और मैं इन लोगों से कुछ बातचीत करूंगा और जानूंगा कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं ये लोग जो जनता के बीच में ले जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए अपील कर रहे हैं। सर हम लोग आम आदमी, आपका नाम क्या होगा? समीर। आप कौन से विधानसभा? मैं सीमापुरी विधानसभा से हूँ, और हम लोग जो आम आदमी पार्टी के लिए आम लोगों से जो अपील कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि देश में 72 साल की आज़ादी के बाद भी अगर दिल्ली को कोई अच्छा सीएम मिला तो वो अरविंद केजरीवाल जी के रूप में मिला है। दिल्ली के लोगों को बेसिक जो सुविधाएं चाहिए थी, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब पे जब के काम किया है, ठीक है। आज से पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री आए चले गए, ठीक है, अपना पेट भरा चले गए, उनके बच्चे लंदन में पढ़े, लेकिन केजरीवाल जी ने क्या करा, शिक्षा के क्षेत्र में इतना जबरदस्त काम किया उन्होंने। मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया कि गवर्नमेंट स्कूलों को इतना अच्छा बना दिया कि एक आप अदर स्टेट में चले, हमारे बगल में हरियाणा है, हमारे बगल में यूपी है, वहाँ के प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूलों से मैच कर लो, ठीक है, और वहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों को देखोगे तो यार जवाब नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हैं, टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बच्चे पढ़ते हैं, मेगा पीटीएम होता है स्कूल में, स्विमिंग पूल तक हो गई। और तो और पहले एक बात बताना चाहूँगा, देश के अंदर पहले जो नेता हुआ करते थे उनके बच्चे लंदन पढ़ने जाया करते थे, लेकिन आज देश हमारी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने टीचर्स को भेजा विदेशों में, जाओ टेक्निक सीख के आओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स गए बाहर और पढ़ा, वहाँ से सीखे, बच्चों पढ़ाए, यहाँ से बच्चों को स्पोर्ट्स में इतना अच्छा सपोर्ट किया गया, स्कूल में सपोर्ट्स इतना किया गया कि बच्चे आज क्या नाम है बाहर जाते हैं, ओलंपिक खेलते हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है सीएम केजरीवाल जी ने। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री केजरीवाल बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक बहुत अच्छा काम किया था, आते ही बिजली हाफ कर दी, उसके बाद 200 यूनिट फ्री दे दिया, और यार महिला सेफ्टी के लिए मार्शल बसों में मार्शल तैनात कर दिए, ठीक है, और तो और बसें फ्री कर दी वुमेन के लिए, कितना बड़ा काम है। हॉस्पिटल चले जाइए आप, सर दवाइयाँ नहीं मिलती थी पहले, अब दवाइयाँ तो मिलती है, पहले ऑपरेशन सर्जरी का पैसा चलता था सर, पैसा देना पड़ता था हमें, लेकिन आज केजरीवाल जी के आने के बाद ना ऑपरेशन जितना भी महंगा टेस्ट है सब फ्री। और तो और एक बात बताना चाहूँगा लास्ट में, और तो और सारे टेस्ट फ्री होने के बाद भी ना अगर आपको हॉस्पिटल के ऑपरेशन या सर्जरी है और आपको डॉक्टर 30 दिन से ज़्यादा की डेट देता है तो आप अपनी आईडी दिल्ली की दिखाकर वहाँ से डॉक्टर से लिखवाएंगे, किसी भी गवर्नमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फरिश्ते योजना लॉन्च की है सर, वाकई में केजरीवाल जी खुद फरिश्ते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली के रोड पर अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो, दिल्ली के रोड पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है ना तो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए, गारंटी दिल्ली सरकार की है कि हम आपको पूरा ट्रीटमेंट फ्री देंगे। और एक बात, मोहल्ला क्लिनिक, मैं बताऊं एक गरीब आदमी, लास्ट बताना चाहूँगा, एक गरीब आदमी, काम तो बहुत सारे अनलिमिटेड के, एक गरीब आदमी रोड पे जाता था, ठीक है, वो 400 रुपये कमा के आ रहा है सर, मिनिमम वेज पूरा नहीं मिलता था पहले, वो 400 रुपये कमा के आता है, वो घर का चूल्हा जलाता है, ठीक है, अगर कोई घर में बीमार पड़ जाए तो एक डॉक्टर के पास जाने के बाद ना एक अगर आरएमपी डॉक्टर भी होता ना 100 रुपये फीस ले लेता है, 200 रुपए की दवाई हो गई, उसका घर नहीं चल पाता था, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक खोले, कॉलोनी वाइज मोहल्ला क्लिनिक खोल डाला, एमबीबीएस एमडी लेवल के डॉक्टर है, सारे टेस्ट फ्री कर दिए, सारी दवाई मिल गई, एक गरीब आदमी को क्या चाहिए था वो मिला। तो वाकई में मैं कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री पहली बार देश की दिल्ली की राजधानी को मिला है, और केजरीवाल जी देश दिल्ली के पीएम नहीं, दिल्ली के सीएम नहीं, देश के पीएम चाहिए, ये हमारा सपना है, और लास्ट में लड़ेंगे। एक शेयर लिखा था मैंने, मैं बताना चाहूंगा, एक मैसेज देते हैं भ्रष्टाचारियों को कि मेरा देश मेरा वतन मेरी आत्मा है, मेरा देश मेरा वतन मेरी आत्मा है, मेरा देश मेरा वतन मेरी आत्मा है, तुम भी बसा लो अपने दिल में, भ्रष्टाचारियों तुम्हें मिटाकर मरेंगे, तुम भी बसा लो अपने दिल में। तो अभी केंद्र सरकार ने कानून हाल ही में लागू किया है सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और शाहीन बाग में इसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहा है। मतलब इस पूरे कानून को एक हिंदू मुसलमान का एक नज़रिया दे दिया गया है, जैसे बीजेपी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है कि इसको पूरा हिंदू मुस्लिम का एक तरह सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। तो क्या ये मुद्दा, मतलब जो नागरिकता कानून है, भाजपा को उसका सियासी लाभ मिलेगा चुनाव में? देखिए दिल्ली में तो कुछ भी मिलने नहीं वाला, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम कर दिया है जनता के लिए, वो शायद इतिहास में कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो इसने काम किया। और ये चुनाव जो दिल्ली में लड़ा जा रहा है सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे लड़ा जा रहा है, और बेसिक बेसिक कामों पर केजरीवाल जी ने बहुत ही काम किया, खास करके गरीब गुरबों
के लिए बहुत काम किया, तो हम नहीं लगता कि एनआरसी का मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट पे है और यहाँ सिर्फ केजरीवाल से लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और केजरीवाल जी को चाहते हैं और नेक्स्ट सीएम इंशाल्लाह केजरीवाल ही बनेंगे। जब सीए एनआरसी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ दिल्ली की पब्लिक कुछ नहीं चाहती। तो लास्ट में बोलना चाहूँगा कि देश के अंदर बहुत सारे मुख्यमंत्री है, मैं कहता हूँ काम करो ना केजरीवाल जी तरह। है कोई देश के अंदर, अभी देश के अंदर इतने सारे स्टेट है, 29 स्टेट है, यूनियन टेरिटरी हमारे पास में, है कोई मुख्यमंत्री जो ये कह सके कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना, अगर मैंने काम किया नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। सारे नेता लोग वोट मांगते हैं अपना पेट भरने के लिए। केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट देना। ये गर्व की बात है कि एक इंसान कहता है कि मैंने काम किया मुझे वोट देना, नहीं किया तो मत देना। और मैं प्राउड फील करता हूँ केजरीवाल जी के ऊपर। बहुत अच्छा बोलते हैं, नेता बनने का स्कोप है आपका। आप अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए क्या खास किया पिछले 5 साल? एक्चुअली मेरा नाम रेणु राणा है और मैं हरियाणा से आई हूँ। विधानसभा आपका क्या इधर पड़ेगा? आप हरियाणा के? मैं हरियाणा से आई हूँ, पानीपत से आई हूँ। और आम आदमी पार्टी में अपना विश्वास इसलिए दिखाया है क्योंकि एक ऐसी पार्टी है, उसके जो मुख्य वो ऐसे मुख्य जो अपने काम के नाम पर वोट मांगते हैं, बाकी अदर पार्टीज जो हैं वो अपने सिर्फ नेता या फेस के नाम पे या धर्म या जो जातवाद को बांट के उसके नाम पर वोट मांगती है। और आपने भी कहा महिलाओं के लिए, तो कल ही मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग, क्योंकि मैं जब आई यहाँ पे तो मैं आई जस्ट वांटेड टू सी दैट, के देखना चाहती थी कि क्या है। आई हैव यूज्ड दैट ट्रांसपोर्ट और आई गॉट दैट पिंक टिकट। और सीरियसली जब मैंने ये लिया और वहाँ की जो लेडीज ने बताया कि वो अपने जो अपने बच्चों को भी स्कूल छोड़ने जाती हैं, तो वह जब जाती हैं बड़े खुश थी, और बच्चे लड़कियां महिलाएं वो बहुत खुश थी और हैप्पी थी कि हमारे लिए जो केजरीवाल जी ने ये तोहफा दिया है हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि खर्चा पड़ता है जिनका, उनका मेट्रो का भी फेयर काफ़ी महंगा होता है। तो मतलब विकास के नाम पर वोट मांगा जाता है और अदर पार्टीज जो हैं वो लोगों को धर्म और जात पात में बांट के फिर वोट मांगने का काम करती है। तो यहाँ पे तो अपने विकास हमने काम किया है, काम के नाम पर आप हमें वोट कीजिए, वही लोगों से अपील कर रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल इज द बेस्ट। आई लव केजरीवाल। क्योंकि अभी भाजपा के तरफ से नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया, वही कांग्रेस के तरफ से भी नहीं घोषित किए हैं, तो इतना देरी क्यों लग रहा है आपके अनुसार? मैं सर बीजेपी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आम आदमी पार्टी को वाकई तुम टक्कर देना चाहते हो, जो तुम्हारा सीएम उम्मीदवार हो उसे हमारे अरविंद केजरीवाल के बराबर से लड़ाया जाए। हमारे अरविंद केजरीवाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे शीला को हराया था, ठीक है, दूसरी बार भी वहीं से लड़े थे वो। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री पहली बार तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है, वो कन्फ्यूज हो रहे हैं, वो सिर्फ मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मोदी तो यहाँ का, मैं सबको बताना चाह रहा हूँ, मोदी यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। ये पहली सरकार ऐसी है जनता से सिर्फ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नाम ले दो वो अपने आप काम गिनाना चालू कर देती है। आज जो आरएसएस के बंदे आरएसएस को छोड़ के किसी को अगर मोदी का नाम ले दो तो सिर्फ गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। और आज अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम ले दो तो वो तुरंत 10 काम आम जो बिल्कुल झाड़ू लगाने वाला होगा ना वो भी 10 काम गिना देगा आम आदमी पार्टी के। क्या खास काम किए हैं सर? खास काम किए हैं, शिक्षा में कितना अच्छा काम किया, आज मेरा भी बच्चा ग्रेजुएट हो सकता है, आईपीएस भी बन सकता है, आईएएस भी बन सकता है आज की स्थिति में। स्कूल देख लो, हम 1 से 1 10 लाख रुपए का इलाज फ्री में करा सकते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे काम किए। ट्रांसपोर्ट में देख लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना अच्छा कर दिया, और आए दिन ये कहते थे कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं। अरविंद केजरीवाल की 1 बाइट दिखा दो 5 साल में जिसमें उन्होंने कहा वो पैसा नहीं, बल्कि उन्होंने 38,000 से बजट बढ़ा के 60,000 करोड़ कर दिया, मतलब हाँ 60,000। तो बजट भी बढ़ा और जनता को सब कुछ फ्री भी दे रहे हैं। ऐसा इनको बीजेपी वालों को समीक्षा ये नहीं करनी चाहिए कि गुमराह नहीं करना चाहिए, समीक्षा ये करनी चाहिए कि ऐसा क्या है इनमें कि जो बजट भी बढ़ा रहे हैं और फ्री भी कर रहे हैं। तुम भी यूपी में कर दो, हरियाणा में कर दो, हम वोट देंगे आपको। कल बीजेपी वालों को मैं चैलेंज देता हूं और मैं आम आदमी पार्टी का ऑटो संगठन का नॉर्थ वेस्ट का उपाध्यक्ष हूं, मैं आम आदमी पार्टी को चैलेंज देता हूं कि वो हरियाणा में कर दें कल, यूपी में कर दें कल, हम परसों बीजेपी का समर्थन करेंगे और प्रचार करेंगे और वोट देंगे। ये ना करें कि अमित शाह कहता है कि एनआरसी लाऊंगा 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 और मोदी जी कहते नहीं, अमित शाह
अमित शाह मैं ना अभी तक एनआरसी पर चर्चा हुई ना कैबिनेट में आई, एनआरसी का अभी कोई जिक्र ही नहीं है। उनको जब अपने मंत्री भी विश्वास नहीं तो जनता विश्वास क्यों करे मोदी जी पे, ये तो बताओ। जो आज की डेट में मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई बीजेपी में सबसे बड़ा नेता है अमित शाह, वो अमित शाह तड़ी पार है, अगर कहूँ तो तड़ी पार, कहना कोई बुरी बात नहीं होगी। जो तड़ी पार जो गुजरात में रहने लायक नहीं था वो देश में करेगा तय, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। शासन कर रहा हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर शासन कर रहा, वो भी गलत राजनीति कर रहा है। तो इनको आपस में ही ये इनके पास कोई विजन नहीं है चुनाव लड़ने का, सिर्फ ये चाह रहे हैं किसी तरीके से हिंदू मुसलमान जात पात हो जाए और किसी तरीके से सत्ते तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जनता बहुत जागरूक हो चुकी, बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी, हर किसी को पता है कि अगर भविष्य किसी में है तो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने तीर्थ यात्रा लागू किया, आपको लाभ मिला इसका? बहुत लाभ मिला है। कहाँ कहाँ गए? हम तो खैर नहीं गए हैं, मैं झूठ बोलूंगा, हम नहीं गए हैं, लेकिन लोग जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मैं एक छोटी सी कविता में आपको सारे सब समझा देता हूँ। सजे बाग बगिया ये सड़कें वो गलिया, इलाके में अपने चमक दिख रही है, हुआ काम सारा विधायक के फंड से, यहाँ ना विकास से कमी दिख रही है। वो मिलते हैं हमसे बड़ी सादगी से, ये केजरीवाल जी के लिए, वो मिलते हैं हमसे बड़ी सादगी से, तो अब भूल क्या लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। स्कूल दिल्ली में अच्छे, शिक्षा यहाँ सब फ्री मिल रही है, और बनाए जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए जो तुमने, तो तारीफ फौरन से भी मिल रही है। ये बहनें चली हैं फ्री जब से बस में, तो आँखों तो चेहरे पे उनके खुशी दिख रही है, बुजुर्गों को यात्रा कराई जो तुमने, तो आँख तो ओंठों पे उनके खुशी दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए हमसे। जैसा कि अभी यहाँ पे लोगों ने बताया कि वर्ष 2013 में अरविंद केजरीवाल यहाँ से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े थे, और उस वक्त की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उन्होंने पराजित कर दिया था, और अब ये 8 तारीख को मतदान होने वाले हैं। यहाँ के नई दिल्ली की जनता अपना मतदान देने के साथ साथ दिल्ली की भी जनता अपना मतदान देगी, और 11 फरवरी को आने वाले परिणामों से ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और इस नई दिल्ली विधानसभा से विधायक कौन होगा, अरविंद केजरीवाल या कोई और। तब तक के लिए जानने के लिए देखते रहिए हमें TNN 24/7। धन्यवाद।